ग्रीटिंग्स दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंकुश गर्ग है। मैं स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल पालम विहार गुड़गांव में। मैं आज आपके सामने बैक पेन यानी कमर दर्द के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक स्टडी के अनुसार 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन को जीवन में कम से कम एक बार बैक पेन जरूर परेशान करता है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कभी ना कभी बैक पेन के लिए कोई इलाज, फिजियोथेरेपी, ट्रीटमेंट या फिर स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ता है। बैक पेन के चार मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण, कोई मांसपेशी या लिगामेंट्स में खिंचाव, चोट या सूजन। दूसरा, डिस्क और उससे संबंधित बीमारियां जैसे डिस्क प्रोलैप्स या फिर डिस्क प्रोलैप्स की वजह से नसों का दब जाना। तीसरा कारण होता है आर्थराइटिस, जो जैसे कि घुटने और कूल्हे की हड्डियों में, जोड़ों में आर्थराइटिस होते हैं, ऐसे आर्थराइटिस कमर के जोड़ों में भी हो सकती है। और चौथा मुख्य कारण है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों में कमजोरी। जो आज के यंग पॉपुलेशन में जो पहला कारण और दूसरा कारण, जो कि मांसपेशियों की इंजुरी, सूजन और लिगामेंट्स की चोट मुख्य कारण होती है, जिसकी मुख्य वजह है लगातार लंबे समय तक बैठना, एक्सरसाइज की कमी और डाइट्री डेफिशिएंसी, जो कि विटामिन और मिनरल्स बॉडी और मसल्स बोन्स को तंदुरुस्त रखने के लिए ज़रूरी है, उनकी कमी। और रिपीटेड स्ट्रेस, बार बार झुक के काम करना, लगातार बैठना और ट्रैप पोस्चर में बैठना, ये इसके मुख्य कारण होते हैं। दूसरा नंबर पर आता है डिस्क इंजरी, जिसकी वजह से कमर दर्द और डिस्क बाहर आ जाए तो नसों को दबाती है, जिससे पैरों में दर्द, जिसको सामान्य भाषा में शायटिका भी कहते हैं, उसकी संभावना बढ़ जाती है। उस तरह की सिचुएशन में कई बार मरीज को चलने में, उठने बैठने में दिक्कत आती है। और ज़्यादातर इस तरह की बीमारियों में फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, दवाइयों से मोर ज़्यादा 80% से ज़्यादा लोगों में उससे आराम आ जाता है। लेकिन जब नस पे बहुत ज़्यादा दबाव हो या उसकी वजह से पैर में कमजोरी, पेशाब करने में या मोशन पास करने में दिक्कत होती है, तब ये एक तरह की इमरजेंसी भी बन जाती है और उसके लिए हमें सर्जिकल सहायता भी लेनी पड़ती है। तीसरे नंबर वाली बीमारी जिसकी मैंने बात की, आर्थराइटिस, ये छोटे जोड़ों में आर्थराइटिस स्पाइन के होने की वजह से कमर के मूवमेंट्स, आगे झुकने बैठने, इन सब में बड़ी दिक्कत आती है। उसको रोकने का तरीका है, जैसे कि कहा जाता है प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, प्रिवेंशन के तरीके होते हैं रेगुलर एक्सरसाइज, जिससे कि आर्थराइटिस डेवलप नहीं हो, डाइट्री सप्लीमेंट्स का जब भी जरूरत हो उनको लिया जाए, जिससे कि आर्थराइटिस को रोका जा सके। और आर्थराइटिस अगर हो भी जाती है तो वो अधिकतर एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और दवाइयों से उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन सबसे मुख्य बात ये होती है, एक बार उस दर्द में सुधार आने के बाद, बेशक वो स्प्रेन की वजह से हो, डिस्क की दिक्कत की वजह से हो या आर्थराइटिस की वजह से हो, इन तीनों ही समस्याओं में जो कि हम सामान्यतः देखते हैं, जब तक पेशेंट का दर्द चल रहा है तो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। हम अपने मरीजों को सलाह देते हैं कि एक बार दर्द ठीक होने के बाद कृपया अपनी एक्सरसाइज, कसरतें जो फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से आपने सीखी हैं, उन्हें कभी ना छोड़ें। अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे, आप बार बार दर्द से पीड़ित नहीं होंगे। चौथे पर मैंने मेंशन किया ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली ओल्डर एज में होने वाली बीमारी है और महिलाएं इससे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो उसको रोकने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, कैल्शियम, विटामिन डी का सेवन, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्टिव लाइफस्टाइल, जो मैंने अभी मेंशन भी किया। उसको करने से डिस्क, बोन्स, मसल्स, टेंडन सबकी हेल्थ बनी रहती है। आशा है आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे। धन्यवाद।